नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 9 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस बढ़ चुका है। अभी तक किसी भी विधायक के पास फोन कॉल नहीं पहुंचा है और कई विधायक विधानसभा क्षेत्रों में वापिस भी लौटने लग गए हैं। तो जो विधायक लगातार जयपुर में डेरा डाले हुए थे, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि कई विधायक इनमें से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। फोन के घंटी पर विधायकों की निगाहें टिकी हैं, राजभवन शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है। कब होगा मंत्री परिषद का गठन, कब लेंगे मंत्री शपथ, ये सवाल अभी भी बरकरार है। क्योंकि बड़ी सूचना ये सामने आ रही है कि ना तो अब तक विधायकों के पास फोन कॉल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि विधायकों के पास फोन कब पहुंचेंगे। हो सकता है कल शाम तक शपथ ग्रहण हो, तो कल सुबह विधायकों के पास फोन कॉल पहुंचे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि कई विधायक अब वापस अपने विधानसभा क्षेत्रों की ओर लौट रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि खबर यह है कि कई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों की ओर लौट रहे हैं। जी, कुछ विधायकों से मेरी बात हुई तो उनको कोई उम्मीद लग नहीं रही कल शपथ ग्रहण समारोह की, तो वो अपने इलाके में जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे उनको अटेंड करने के लिए निकले हैं। तो इसका मतलब यह है कि कल भी शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना फिर से जो है टलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी अपने फैसलों से चौंकाते हैं, लग ही रहा है कि फिर से वो चौंका रहे हैं और फिर वो कोई नई तारीख जो आ सकती है। लेकिन कल दोपहर तक तो लग नहीं रहा, क्योंकि कई बड़े जो कद्दावर नेता पार्टी के वो अपने अपने इलाकों की तरफ गए, तो इसका मतलब ये है कि कल दोपहर तक नहीं हो रहा। उसके बाद में गवर्नर का बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन रहा है, वो जोधपुर जाते हैं, तो फिर जो है कल बड़ा मुश्किल होगा शपथ ग्रहण समारोह होना। तो फिर एक नई तारीख का इंतजार है और जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि देर शाम तक फोन आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरी कई विधायकों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारी निगाहें फोन पर टिकी हैं लेकिन कोई फोन आ नहीं रहा है फिलहाल। बिल्कुल, क्योंकि कल विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी है और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इसे लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी प्रोग्राम को फिलहाल टाला गया हो, क्योंकि जानकारी तो ये थी बाबूलाल कि राजभवन में भी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई थी और हलवाई भी पहुंच चुके थे। आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया।